भारत में कोरोना के जो मामले हैं वो तकरीबन 29,000 को पार कर चुका है और इसी के साथ जो मौत का आंकड़ा है वो भी 900 को पार कर चुका है। अब इसी के साथ जो लॉकडाउन का दौर है वो जारी है। 3 मई तक भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है और सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर लॉकडाउन हटेगा। खैर, लॉकडाउन की जब चर्चा हो रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पहली बार भारत में लॉकडाउन कब लगा था। भारत में पहली बार लॉकडाउन का फेज जो शुरू हुआ था वो 25 मार्च से शुरू हुआ था, जो कि 14 अप्रैल तक था, और ठीक 14 अप्रैल को दूसरी बार ऐलान किया गया कि लॉकडाउन फेज 2 को लागू किया जाएगा, जो कि 15 अप्रैल से शुरू होगा और 3 मई तक चलेगा। लॉकडाउन आखिर कब खत्म होगा, ये एक अहम सवाल है जो लोगों के मन में है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हाँ, लॉकडाउन का जो असर है वो ज़रूर देखने को मिला है। जो भारत में डबलिंग रेट शुरुआत के दिनों में 3.4 दिन की थी, वो अब बढ़कर 10.2 दिन की हो गई है, यानी कि लॉकडाउन का असर कहीं ना कहीं दिखा है और इसका फ़ायदा जो संक्रमित मरीज, जो संक्रमण फैल रहा था उसको रोकने में कहीं ना कहीं दिखा है। अब लॉकडाउन खुलेगा कब, जो ये सवाल है, संभव है कि इस पर जो फैसला है वो इसी सप्ताह के आखिरी में लिया जा सकता है। संभव है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के नाम एक संबोधन करेंगे जिसमें ऐलान हो सकता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर घटेगा। खैर, जब लॉकडाउन की बात हो रही है तो कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। मौजूदा दौर में देश में जो कोरोना के कुल मामले हैं वो 29,000 को पार कर चुके हैं और जो कोरोना के रिकवरी केसेस हैं वो 6800 को पार कर चुके हैं, वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो 900 को पार कर चुका है। देश के करीब 300 ऐसे ज़िले हैं जहां कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया है। कुल 39 ऐसे ज़िले हैं देश में जहां 21 दिन से कोई भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। वहीं 28 ऐसे ज़िले हैं जहां पर 17 दिन से कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। देश के 80 ऐसे ज़िले हैं जहां 7 दिनों से कोरोना के कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं। लॉकडाउन को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की राय है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, डॉक्टर हो या फिर कारोबारी, सबके अपने अलग अलग तर्क हैं कि आखिर लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या फिर लॉकडाउन को खोलना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार की। सोमवार को पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों के सीएम के साथ एक बैठक की थी, जिसका मकसद था ये जानना कि आखिर देश के दूसरे राज्यों में हालात कैसे हैं, साथ ही साथ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो राय हैं वो क्या है, ये भी जानने का एक मकसद था। इस मीटिंग में एक बात तो ये साफ हुई कि ज़्यादातर राज्य और केंद्र वो लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में हैं। बैठक में पीएम मोदी की ओर से साफ एक बात कही गई थी कि देश को लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है। इसे आप एक संकेत के तौर पे भी समझ सकते हैं कि लॉकडाउन से जो फ़ायदा हुआ है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस फायदे को आगे बरकरार रखने के लिए देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। संभव है कि इसे जो चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे। साथ ही साथ पीएम ने एक बात और भी कही थी कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और एक शब्द उन्होंने जोड़ा था कि हमें इस मुद्दे पर धैर्य रखने की ज़रूरत है। यानी कि केंद्र सरकार अभी लॉकडाउन को हटाने में कोई भी जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। संभव है कि लॉकडाउन आगे और भी बढ़ सकता है। ये तो बात हुई केंद्र सरकार की, लेकिन राज्य सरकारों का क्या मानना है, क्या लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या फिर लॉकडाउन को खत्म करना चाहिए, इस पर राज्य की सरकारें क्या कहती हैं, उनके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। सोमवार को पीएम के साथ जो बैठक हुई थी उस पर 10 राज्यों के सीएम ने इस पर सहमति जताई थी कि देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये वो 10 राज्य जो हैं उनमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और साथ ही साथ दिल्ली का भी नाम शामिल है। इसके अलावा बिहार और महाराष्ट्र, ये ऐसे 2 राज्य हैं जिन्होंने कहा था कि जो भी फैसला केंद्र सरकार लेगी हम उसी पर आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात तेलंगाना की करें तो 7 मई तक तेलंगाना ने लॉकडाउन को जारी रखा हुआ है। खैर, कुल मिलाकर अगर देखें तो राज्य सरकारों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। 2 राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार चाहेगी हम उसी पर अमल करेंगे।
तो राज्य से बातें तो राज्य की जो बातें हैं वो सुनी जा रही है, राज्य से जो राय है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन संभवतः जो फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया जाएगा उसी फैसले को दूसरे राज्य की सरकार भी अमल करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बाद बात आती है डॉक्टर्स की, क्योंकि मेडिकली जो एग्जैक्ट चीजें हैं कि आखिर लॉकडाउन हटेगा तो कोरोना फैलने का डर है या नहीं है, ये डॉक्टर से बेहतर शायद ही कोई बता सकता है। भारतीय मूल के डॉक्टर हैं और विदेश में रह रहे हैं, वो भी लॉकडाउन के समर्थन में नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन को जो देश ने लागू किया था वो बहुत बढ़िया फैसला था, और साथ ही साथ इसकी भी सिफारिश कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन को अगर जारी रखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि जो एपिसेंटर है यानी कि जो हॉटस्पॉट है, जो इलाके हैं जहां से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां लॉकडाउन को खोलना अभी सेफ नहीं है, यानी कि वहां पर लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार की बात हो गई, राज्य सरकार की बात हो गई, डॉक्टर्स की बात हो गई, और अब बात आती है अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों की, यानी कि कारोबारियों इंडस्ट्रियलिस्ट की, कि आखिर उनका क्या मानना है। एक सर्वे फिक्की की ओर से कराया गया था जिसमें कुछ दावे किए गए हैं लॉकडाउन को लेकर कि आखिर भारत की स्थिति कैसी रहेगी, जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद क्या कुछ खतरा हो सकता है और क्या कुछ फायदा हो सकता है। फिक्की के सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देश की आधी से ज्यादा कंपनी अपने विस्तार योजनाओं को एक साल तक टाल सकती है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी ये बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 3/4 कंपनियां कर्मचारियों की मौजूदा संख्या को कम करना चाहती है। दरअसल ये बातें इंडस्ट्री बॉडी फिक्की की एक संयुक्त सर्वे में निकलकर सामने आई है, यानी कि रोजगार पर खतरा हो सकता है।